आज मैं आपको ऐसे 11 रूल्स बताऊंगा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए कि अगर आप इन रूल्स को अप्लाई करेंगे तो स्टॉक मार्केट में आप कभी लॉस नहीं करेंगे। ये मेरा शर्तियत फॉर्मूला है और 100% अप्रूव फॉर्मूला है कि आप इस टेक्निक को अगर यूज करेंगे, इस रूल्स को अगर यूज करेंगे 11 रूल्स को, तो स्टॉक मार्केट में आप एवरेज प्रॉफिट में ही निकलेंगे, कभी लॉस नहीं करेंगे। अब बताते हैं रूल्स नंबर 1। रूल्स नंबर 1 हमारा क्या कहता है, नेवर ट्रेड ऑन मोबाइल। मोबाइल पर कभी ट्रेड नहीं करना दोस्तों। दोस्तों हम ज़्यादातर ट्रेडर जो होते हैं ज़्यादातर मोबाइल पर ही ट्रेड करते हैं, इसलिए हम सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं। अब बात आती है कि मोबाइल पर ट्रेड क्यों नहीं, मोबाइल पर ही तो सब कुछ खुल जाता है, सारे प्लेटफॉर्म जो ब्रोकर के हैं मोबाइल पर खुल जाते हैं, तो मोबाइल पर ट्रेड क्यों नहीं। मगर दोस्तों मोबाइल पर ट्रेड मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, जो ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ना कि इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर तो कर सकता है, मगर जो ऑप्शन या फ्यूचर में इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं या कैश में कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मोबाइल पर ट्रेड करना बेकार है। क्योंकि मोबाइल पर जब हम ट्रेड करते हैं तो ओनली क्या देखते हैं, प्राइज। हम क्या देखते हैं दोस्तों, प्राइस देखते हैं। और प्राइस देखकर ट्रेड करना क्या सही है, आपको लगता है ओनली प्राइस देखकर ट्रेड करना सही है? हमको जब मोबाइल पर ट्रेड करेंगे तो सारे इंडिकेटर हम नहीं देख पाएंगे, सारे चार्ट पैटर्न हम नहीं देख पाएंगे, सारे एनालिसिस हम नहीं देख पाएंगे, वॉल्यूम डिलीवरी जो भी समथिंग हम देखते हैं मार्केट में वो सारा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि छोटे से मोबाइल में हम कितना सारा देख लेंगे और कितने समय के साथ, इतने समय में तो स्टॉक निकल जाता है। तो हमें कभी भी मोबाइल पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल पर ट्रेड करने से हम सारा चीज़ें नहीं देखते, ओनली प्राइस को देखकर ही ट्रेड करते हैं, और प्राइस को देखकर ट्रेड करना इन द सेंस हमारे लिए 100% लॉस में ही निकलता है, प्रॉफिटेबल नहीं निकलता है। रूल नंबर 1 जो आपको सबसे पहले अप्लाई करना है। रूल नंबर 2, नेवर ट्रेड इफ यू कांट टेक लॉस। अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं ले सकते तो आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको दोस्तों, कि आपने जबकि भी ऐसा अपना डिफाइन किया, आपने कभी कभी स्टॉप लॉस अपना डिफाइन किया, तो आपको निकल जाना है छोटे से लॉस के साथ। आपको लग रहा है कि नहीं, छोटा सा लॉस लेने लायक मैं नहीं हूँ, मैंने कभी लाइफ में लॉस ही नहीं लिया, तो आप एक बड़े लॉस के साथ निकलोगे और अपना सारा अमाउंट खाली कर दोगे। तो दोस्तों आपको छोटे से लॉस के साथ निकलना है, मतलब आपको लॉस लेना है, लॉस लोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो गिरता है उसके बाद ही उठता है, और जो लॉस लेता है स्टॉक मार्केट में वही प्रॉफिट कमाता है, और जिसने लाइफ में कभी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं लिया उसने कभी स्टॉक मार्केट में कमाया ही नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में सबसे रूल्स नंबर 2 कहता है कि आपको लॉस लेना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत हो चुका हूँ, आप मान लो कि मैं गलत हूँ, 100% मैं गलत हूँ, हो गया ठीक है, मैंने गलत ट्रेड ले ली, तो आप उसको लॉस में निकल जाओ, बेटर है, क्योंकि तो उससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका बचा रहता है, उस इन्वेस्टमेंट से आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो, उसमें प्रॉफिट में निकल सकते हो। रूल नंबर थ्री, नेवर ट्रेड इफ 90% टेक्निकल एनालिसिस नॉट वर्क। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो और आपको लग रहा है कि 90% टेक्निकल एनालिसिस मेरा काम नहीं कर रहा, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको जब लग रहा है कि एक्यूरेट जब ट्रेड आ रहा है, 90% एनालिसिस काम कर रहा है, तभी ट्रेड लेना है, क्योंकि हमें हर ट्रेड को नहीं लेना है, हर स्टॉक पे ट्रेड नहीं करना है। अपने रूल्स जो बनाए हुए हैं ट्रेडिंग के, जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स बनाए हुए हैं उन्हीं के हिसाब से ट्रेड करना है। ज़्यादा ट्रेड बेकार है, हमें कम ट्रेड करके ही प्रॉफिट कमाना है, और जब हमें लगे कि हमारा एनालिसिस 90% काम कर रहा है तभी हमें ट्रेड लेना है। हमें ये नहीं लेना कि आज मेरा कोई एनालिसिस काम नहीं कर रहा, तो आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, तो आप ज़बरदस्ती किसी दूसरी ट्रेड में घुस गए, तो आपको लॉस ही होगा दोस्तों। आपका जब तक आपने टेक्निकल पैरामीटर्स जो बनाए हैं उनकी अपोजिट चलोगे, उनकी विपरीत चलोगे, तो आपको लॉस ही होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब रूल नंबर फोर क्या कहता है कि नेवर ट्रेड अपोजिट ऑफ मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी की डायरेक्शन अपोजिट में हम ट्रेड लेते हैं तो हमें 99% लॉस ही होता है। कभी आपने सुना होगा कि जब घोड़े भागते हैं, जब 100 घोड़े भागते हैं तो दो गधे भी उनकी रेस में भागना शुरू कर देते हैं, सुना है ना आपने दोस्तों। तो जब कभी स्टॉक में निफ्टी और बैंक निफ्टी भाग जाते हैं ना, तो कोई जो स्टॉक जो गिरा हुआ भी होता है वो भी भाग जाता है।
तो मार्केट का जो ट्रेंड होता है, मार्केट का जो ट्रेंड बताता है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी ही बताता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की हमें डायरेक्शन देखनी है, उसी के हिसाब से ही हमें ट्रेड लेना है। अगर हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की डायरेक्शन बाइंग में है और हम सेलिंग वाला ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा 99% लॉस होने के चांस होते हैं। कभी कभी हमें प्रॉफिट हो भी जाता है, मगर ज़्यादातर हमें लॉस में ही निकलना पड़ता है। क्योंकि यहाँ ना मैंने दोस्तों वो कहानी सुनाई घोड़े वाली, तो वो ये इधर भी काम करती है। मार्केट में जब निफ्टी और बैंक निफ्टी भागते हैं ना, तो अच्छे अच्छे बेकार स्टॉक भी भाग जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, पांचवा नंबर हम रूल्स बताते हैं, नेवर लूज मोर देन 2% मनी ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया, अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया तो आपको उस दिन, इंट्राडे की बात करा तो आपको उस दिन 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। ये मैं एक्यूरेट जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि नए ट्रेडर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लगता है कि उन्हें में हम सब कुछ सीख चुके हैं, तो उनको 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। जो पुराने ट्रेडर हैं 2 से 5% भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका मनी मैनेजमेंट किस हिसाब से होता है। तो आपको कभी भी 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है। आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो आपको डिफाइन कर देना है कि आज मैंने को मुझे 2% मतलब 2,000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। अगर 2,000 से ज़्यादा का लॉस हुआ तो मेरे को मार्केट से एग्जिट हो जाना है, उस दिन मेरे को ट्रेड नहीं करना है। रूल नंबर सिक्स क्या कहता है दोस्तों, नेवर यूज मोर देन 20% मनी इन सिंगल ट्रेड। हम क्या करते हैं, हम सारा इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक में लगा देते हैं, हम सारा इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। हमें कभी भी जब ट्रेड करना है तो हमें 20% इन द सेंस, हमें 1 लाख रुपए हमारे पास है तो हमें क्या करना है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब 20% इन द सेंस 20,000 रुपये। किसी भी ट्रेड पर जब हम ट्रेड लेना है तो हमें 20,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रेड नहीं लेना है। हमें किसी भी एक स्टॉक पे 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाने हैं, 20% से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। अगर हम इस टेक्निक इस रूल्स को अप्लाई करते हैं तो हम स्टॉक मार्केट में सेफ बने रहते हैं, हमें लॉस होने के चांस बहुत कम होते हैं। रूल नंबर सिक्स पे ही डिपेंड करता है। मतलब हमने 5 डिवाइड कर लिया अपने इनकम को, मतलब 1 लाख रुपए के 5 हिस्से में डिवाइड कर दिया, और हमें क्या करना है, ओनली ओनली 60% मनी से ट्रेड करना है। मगर हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो हमें ओनली 60% से 60,000 से ट्रेड करना है। 60% मतलब 60,000 से ट्रेड करना है। हमें जो 40,000 है वो बैकअप के लिए रखना है। इन द सेंस हमारी जो कॉल है फंस गई, हमारे जो ट्रेड लिया वो तीनों लॉस में जा रहे हैं, तो हमें बैकअप तो रखना है ना दोस्तों, किसी और ट्रेड से प्रॉफिट निकालने के लिए। जब हमारे पास बैकअप ही नहीं होगा तो हम तो फंस जाएंगे, हम तो जितने भी लॉस है वो लॉस में ही निकलेंगे, हम प्रॉफिट कहाँ से निकालेंगे। तो कभी भी जब मनी मैनेजमेंट का फंडा जब अप्लाई करना है तो हमें हमारा 60% से ज़्यादा का इनकम इन्वेस्टमेंट यूज नहीं करना है, 40% हमें बैकअप के लिए रखना है। रूल नंबर एट जो बहुत बड़ा रूल्स है दोस्तों मार्केट में, और जिस रूल्स को अगर जिसने भी तोड़ा है उसने कभी भी स्टॉक मार्केट को बाद में देखा नहीं है, क्योंकि वो तबाह हो चुका है और पता नहीं उसने कितने बड़े बड़े लॉस कर चुका है। मैंने काफ़ी ट्रेडर ऐसे देखे हैं जो एक एक दिन में 1-1 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख समथिंग कमा लेते हैं। कभी लगभग जो नए ट्रेडर होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वो 1 हफ्ते में 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, विदाउट एसएल और टारगेट। तो दोस्तों विदाउट एसएल और टारगेट हमें यही नहीं करना है, वो हमारे किस्मत थी हमने कमा लिया। मगर जब मार्केट पलटेगा, मार्केट आपको सिखाएगा ना, तो मार्केट सारा लेके चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी मार्केट में हमें विदाउट स्टॉप लॉस और टारगेट काम नहीं करना है। हमें सबसे पहले किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले हमें डिफाइन करने लेना है कि हमारा कितना रुपए का लॉस होगा और हमें कितने रुपए का प्रॉफिट लेना है, हमें कितने रुपए का एसएल लगाना है, कितने पॉइंट का एसएल लगाना है, हमें कितने पॉइंट का प्रॉफिट कमाना है, जो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस हो गया। मैं एक सिंपल कहानी सुनाता हूँ कि एक ट्रेडर था, उसने 1 हफ्ते में 1 लाख रुपए कमा लिए, 1 हफ्ते में 1 लाख रुपए कमा लिए। मैंने पूछा कैसे, बोलता है कि मैं तो स्टॉप लॉस टारगेट कभी लगाता ही नहीं हूँ, मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं है इसके लिए, मेरा तो अच्छा चल रहा है, हर ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है और मैं जिसमें लेता हूँ उसमें प्रॉफिट ही होता है। मैंने कहा बेटर है आप इस गलतियाँ कर रहे हो, उस गलतियों को आप दोबारा मत दोहराइए, नहीं तो आप तबाह हो जाओगे। दूसरे या तीसरे दिन
उसी ट्रेडर का कॉल आता है कि सर सर जितना मैंने कमाया था उससे, जितना मैंने एक हफ्ते में जो कमाया था वो मैंने एक दिन में ख़त्म कर दिया, आपने जो बोला था कि स्टॉप लॉस टारगेट नहीं लगाना मैंने उस दिन भी स्टॉप लॉस टारगेट नहीं लगाया और मेरा इनकम सारा जीरो हो गया। तो दोस्तों स्टॉप लॉस ज़रूरी है, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप अगर मार्केट से निकलोगे तो लो छोटे से लॉस के साथ निकलोगे, कोई बड़ा लॉस आप नहीं लोगे और मार्केट में आप दोबारा एंट्री करने लग रह जाओगे। और टारगेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी भी हमें लालच आ जाता है और लालच के कारण हम स्टॉक को नहीं काटते तो हम वो स्टॉक को फिर हमें लॉस में काटना पड़ता है, तो हमें टारगेट भी डिफाइन करना है। रूल नंबर नाइन ये बहुत ही अट्रैक्टिव रूल है, बहुत ही अच्छा रूल्स है। इस रूल्स को लोग कम ही अप्लाई करते हैं और इस रूल्स को या ना स्टॉक मार्केट में जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको सबसे ज़्यादा इस रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। दोस्तों ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, ये बहुत अच्छा काम करता है। इस रूल्स को कहता है कि नेवर ट्रेड इफ़ बिजी इन सम अदर वर्क, माइंड हेडेक, फैमिली एंड अदर टेंशन। अगर आप किसी और काम में बिजी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके सर में दर्द हो रहा है, सिंपल आपको फैमिली की प्रॉब्लम है या आपको टेंशन है किसी और काम के कारण, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आपका जो माइंड होगा ट्रेड करते समय वो कहीं और होगा और आप उस ट्रेड में सही एनालिसिस नहीं कर पाओगे और उस ट्रेड में आप 100% लॉस ही करोगे। ये मैंने सबसे ज़्यादा देखा हुआ है रूल्स अप्लाई करके। अगर इस रूल्स को अगर अप्लाई नहीं करता हूं, ये मैं भी, अगर कोई भी अगर इस रूल्स को अप्लाई नहीं करता है तो 100% वो बड़े लॉस में जाता है। छोटा लॉस तो छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि वो बड़े लॉस में इसलिए जाता है क्योंकि उसके माइंड से ये सारे रूल्स गायब हो जाते हैं और वो उसको कुछ नहीं ध्यान रहता और उस टेंशन तो उसके शरीर दिमाग पे पहले से ही थी और ये रूल्स ब्रेक करने के कारण उसको और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो ये वाला रूल्स आपको कभी भी ब्रेक नहीं करना दोस्तों, ये वाला रूल्स रूल नंबर 8 और 9 तो दोस्तों कभी ब्रेक नहीं करना है। रूल नंबर पहला जो मैंने बताया मोबाइल पे ट्रेड, वो भी कभी ब्रेक नहीं करना है, सारे रूल्स ब्रेक नहीं करने, मगर ये वाला रूल्स अगर ब्रेक, ऊपर वाले रूल्स अगर ब्रेक हो भी जाते हैं ठीक है, मगर ये रूल नंबर 8 और 9 कभी ब्रेक नहीं करना है दोस्तों, 8 और 9 कभी ब्रेक नहीं करना है। रूल नंबर टेन मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। रूल नंबर 10 क्या कहता है, नेवर ट्रेड विथ स्मॉल मनी, नेवर ट्रेड विथ स्मॉल मनी। मतलब दोस्तों स्मॉल मनी के इन द सेंस कहता है कि जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं ट्रेड करने के लिए तो हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट तो एक बहुत अच्छा खजाना है, पैसे कमाने का बहुत अच्छी गुफा है जहाँ जादुई चिराग रखा हुआ है और आपके पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल तरीके ये गलत है। आप हम क्या करते हैं, 10 या 20 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये हम स्टॉक मार्केट में लेके आते हैं तो देखते हैं कि लगाते हैं शायद हमारा लक बहुत अच्छा है, हमारा एनालिसिस बहुत अच्छा है, हम स्टॉक मार्केट में कमा लेंगे और हम स्टार्टिंग में कमा लेते हैं, शायद हमारा लक काम कर जाता है। मगर दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें छोटे से इनकम के साथ, छोटे से मनी के साथ स्टॉक मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मनी मैनेजमेंट है, सबसे पहले जो मैंने रूल्स बताया मनी मैनेजमेंट का, वो कभी अप्लाई होता नहीं है छोटे के साथ, क्योंकि हमारा सारा इन्वेस्टमेंट एक ही ट्रेड में लग जाता है, तो हम उसके बाद अपने लॉस को रिकवर करने के लिए हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती है। तो हमें कभी भी स्मॉल मनी के साथ कभी भी ट्रेड नहीं करना है। अगर हमें लग रहा है कि हमारा जो इनकम है उसमें मनी मैनेजमेंट हमारा काम कर रहा है तो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, अगर हमारा मनी मैनेजमेंट नहीं काम कर रहा तो हम उस स्मॉल मनी के साथ कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ज़्यादातर दोस्तों ऑप्शन या फ्यूचर में तो बिल्कुल ही नहीं, ऑप्शन या फ्यूचर में तो जब तक आपको पास हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं हो तब तक ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेड करना इन द सेंस आपके लिए बहुत बड़ा रिस्की होता है। रूल नंबर 11 जो ज़्यादातर ट्रेडर करते हैं और मैंने ज़्यादातर लोगों को इसके चक्कर में सुसाइड करते हुए भी देखा हुआ है ठीक है दोस्तों, ये रूल्स बिल्कुल भी नहीं ब्रेक करना है दोस्तों, ये रूल्स नहीं ब्रेक करना है। रूल्स क्या कहता है, नेवर डू ट्रेड बाय टेकिंग लोन एंड बोरिंग मनी। ठीक है दोस्तों, आपने कभी भी लोन या उधार के पैसे से ट्रेड नहीं करना है दोस्तों, लोन या उधार के पैसे से कभी ट्रेड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों लोन या उधार के पैसे से जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारी माइंड की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, हमें उस समय माइंड पर साइकोलॉजी क्या होती है कि हमें इससे इनकम कुछ जनरेट करनी ही है, हमें मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी ही है, हमें इसका
लोन चुकाना ही है, हमें ये करना ही है, जब हमारे दिमाग पर ये आता है कि ये करना ही है, तो हम गलत ट्रेड में घुस जाते हैं। हमें उस दिन लगता है कि हमें ट्रेड नहीं मिल रहा, हमें हमारा एनालिसिस काम नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा, मगर हमारे दिमाग पर टेंशन क्या होती है कि हमें आज का इंस्टॉलमेंट पे करनी ही है, उसका कर्जा चुकाना ही है, और हम इसी चक्कर में, इसी कारण हम उसको ट्रेड ले लेते हैं, गलत ट्रेड ले लेते हैं, हम उसमें लॉस करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सारे रूल्स अच्छे लगे हो तो बिल्कुल ही अप्लाई कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप इसमें से कोई भी रूल्स ब्रेक कीजिए, मैं नहीं कहता, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सारे रूल्स अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते समय, स्टॉक ऑप्शन या फ्यूचर या कैश में भी ट्रेड करते समय, किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करते समय ये रूल्स अगर अप्लाई करेंगे तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट में ही निकलोगे, लॉस में नहीं निकलोगे दोस्तों, प्रॉफिट में ही निकलोगे। अगर आपको ये सारे रूल्स अच्छे लगे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए, और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली इसी तरह की अट्रैक्टिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों धन्यवाद।